एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक और इम्पोर्टेंट नोटिस रिलीज किया है। नोटिस फॉर पोस्टपोन ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम को पोस्टपोन्ड कर दिया है दोस्तों। ठीक है, किस एग्जाम को, कौन से एग्जाम को पोस्टपोन किया है, तो आइए दोस्तों पूरा देखते हैं कि मुंबई यूनिवर्सिटी आईडेल ने, ठीक है, इन्फॉर्म कर रहा है सेमिस्टर 1 जनवरी से लेके दिसंबर सेशन एंड सेमिस्टर 2 जुलाई सेशन, ठीक है, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। जिसका शेड्यूलिंग था 30 जुलाई से एग्जाम था, वो पोस्टपोन हो गया है 18 अगस्त 2021 में। ठीक है, अब ये पोस्टपोन करने का रीजन क्या था दोस्तों? दोस्तों आपको पता है कि बारिश काफी रेड अलर्ट है, काफी जगह प्रॉब्लम है, काफी जगह मतलब प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करना पड़ रहा है, जिसके वजह से मुंबई यूनिवर्सिटी ने इन आने वाले सभी एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है 30 जुलाई के बजाय 18 अगस्त तक। अब कौन कौन से स्टूडेंट के एग्जाम को पोस्टपोन किया है? तो जो जनवरी से दिसंबर सेशन के स्टूडेंट है, FY BA, FY BCom, MA और MCom। जुलाई सेशन के जो स्टूडेंट है सेमिस्टर 2 के, FY BA, FY BCom, FY BSc IT एंड MSc Maths, ठीक है, MSc IT एंड FY MCA, इन स्टूडेंट को पोस्टपोन किया है। BSc IT 4 सेम एंड 6 सेम, MCA सेम रहेगा, और PGDFM और PGDORM सेम टू, इन सभी के एग्जाम को रीशेड्यूल कर दिया गया है। टाइम टेबल बहुत ही जल्द आने वाला है दोस्तों। अगर आपको टाइम टेबल का फुल इंफॉर्मेशन चाहिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मैं फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।